नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द परफेक्ट स्टडी में। दोस्तों, हम अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए संख्या पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, नंबर सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाई की है आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। मैंने आपको कुछ प्रश्न भी दिया था सॉल्व करने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप वह प्रश्न आसानी से हल किए होंगे, आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, यदि हम बात करते हैं आरोही क्रम की या अवरोही क्रम की, ठीक है दोस्तों, यह आरोही और अवरोही क्रम सफल तभी होगा जब हम ये जाने कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, जब तक हमें छोटे बड़े का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आरोही और अवरोही क्रम को समझ नहीं पाएंगे। कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी, यह जानने के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि 5 और 8 में बताइए कौन छोटा है, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर 5 छोटा है 8 बड़ा है। मैं आपसे कहूं कि 20 और 15 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 15 छोटा है 20 बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 0.8 और 2.3 में कौन बड़ा होगा, तो इसमें आप देखिए तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव हो गया। मान लीजिए मैं कहूँ 10.8 और 2.3 में कौन बड़ा होगा, तो सीधी सी बात है ये बड़ा होगा। ठीक है, अब समझिए कि दशमलव में पहचानते कैसे हैं छोटे बड़े संख्या को। देखिए, अगर आपके सामने भिन्न आ जाए, क्या आ जाए, भिन्न आ जाए, तो आप उस भिन्न को क्या करते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं दोस्तों, दशमलव में बदल सकते हैं। लेकिन फिर दशमलव में तुलना करना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी है 12.25 और वहीं कोई संख्या लिखी है 11.28। अब आप एक चीज समझिएगा, ये जो दशमलव है, दशमलव, ठीक है, दशमलव के बाएं तरफ ये पूर्णांक लिखा हुआ है और ये दाहिनी तरफ उसका अंश लिखा हुआ है, उसका हिस्सा लिखा हुआ है। बात समझिएगा, 12.25 का मतलब ये है कि कोई चीज़ 13 में से 0.75 हमने निकाल लिया है, इतनी थोड़ी सी चीज़ निकाल ली है, तो वह कितना हो गया, 12.25 हो गया। तो देखिए, समझने के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि 12.25 और 11.28 की बात करें, तो हमारे लिए सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि जो दशमलव है, दशमलव के बाईं ओर पहले संख्या का मूल्यांकन कीजिए। दशमलव के बाईं ओर की संख्या यदि बड़ी या छोटी है, तो वहीं से बड़ा या छोटा डिसाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 12.25 11.28 है, दशमलव के बाईं तरफ 12 है और यहाँ दशमलव के बाईं तरफ 11 है, तो सीधी सी बात है 12 बड़ा होता तो यह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब अगला दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊँ, जैसे मानिए कि लिखा है 11.23, फिर लिखा है 11.34। अब आप कहेंगे देखिए, दशमलव के बाएं तरफ 11 है, दशमलव के बाएं तरफ 11 है, दोनों तरफ 11 है, तो जब दशमलव के बाएं तरफ संख्याओं से निर्धारण ना हो पाए, तब दशमलव के दाहिनी ओर चलते हैं, तब देखते हैं कि 0.23 और 0.34 में कौन बड़ा होगा। ठीक है, अब आप देखिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम इन संख्याओं की तुलना आखिर करेंगे कैसे। तो हम नए सिरे से एक प्रश्न लिखते हैं। जैसे हम आपसे कह दिए कि मान लीजिए 0.23 और 0.34 में आपको फर्क करना है कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक है, चलिए, अब एक बात यहाँ पर आप ये देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है। जब दोनों तरफ दशमलव के बाद अंक बराबर हों, तो आप दशमलव को भूल जाइए। अपने मन में सोचिए, ये क्या है, ये 23 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 34 हो गया। दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। अब बताइए, यहाँ क्या है, 23 है और 34 है, बताइए कौन बड़ा है, 23 बड़ा होगा कि 34? तो सीधी सी बात है, 34 बड़ा होगा, तो दशमलव में भी वही बड़ा होगा। ये बात आपको समझ में आई, चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 0.345 है, ठीक है, और मान लीजिए कोई संख्या 0.23 है।
अब आप कहेंगे कि सर इधर तीन अंक है, यहाँ दो ही अंक है दशमलव के बाद। तो दोस्तों एक बात आप ये जान लीजिए कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के पीछे हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं, चाहे जितना मन करे उतना। लेकिन फिलहाल हमें आवश्यकता कितने की है, केवल एक जीरो की है। अब देखिए तीन अंक ये भी हो गया, तीन अंक ये भी हो गया दशमलव के बाद। अब आप फिर से दशमलव को भूल जाइए, क्या हो गया 345 और ये क्या हो गया 230। 345 और 230 में कौन बड़ा है, 345 बड़ा है। तो आप आसानी से इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब उसके बाद एक चीज और देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा आपसे 0.45 और वहीं हमने आपसे कह दिया 0.432। अब आप बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए आप कहेंगे कि सर यहाँ तीन अंक है, यहाँ दो अंक है, तो हमने आपसे कहा है कि दो अंक है तो इसको तीन अंक बनाइए एक जीरो बढ़ा के। तो अब ये तीन अंक हो गया, दशमलव भूलिए क्या हो गया 450, दशमलव भूलिए क्या हो गया 432। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। आप ये कतई मत सोचिएगा कि यहाँ दो अंक है और ये तीन अंक है तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। आप अगर दो अंक है तो उसके पीछे चाहे दो जीरो लगाना हो, तीन जीरो लगाना हो, चाहे लाख जीरो लगाना हो, आप जीरो लगा सकते हैं और इस तरीके से तुलना कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ठीक इसी पर आधारित मैं यदि आपसे कहूं कि 0.76 और 0.076 इन दोनों में कौन बड़ा है, समझिएगा, बिल्कुल समझने वाली बात है। अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप उस कार्य को छोड़कर हाथ में एक कलम लेकर सामने कॉपी रख करके इस क्लास को खूब अच्छे से देखते हुए अपना नोट्स तैयार करते हुए चलिए। आपको नोट्स मिलेगा लेकिन आप अपना भी लिखते चलिए, ताकि कि क्लास के तुरंत बाद यदि आपको कुछ समझना हो तो आपको पुनः वीडियो देखनी ना पड़े या बार बार वीडियो को आगे पीछे ना करना पड़े इसके लिए। चलिए देखिए क्या लिखा है, 0.76 और 0.076 लिखा हुआ है। मैं आपसे कहा कि दशमलव के बाद अंक हमेशा बराबर होने चाहिए, तो आप बताइए यहाँ कितने अंक है, 1, 2, 3 और यहाँ कितना अंक है, 1, 2। अब एक जीरो और हमने बढ़ा दिया तो तीन अंक हो गया, तीन अंक यहाँ भी, तीन अंक यहाँ भी। अब हम दशमलव को भूलते हैं तो यह क्या हो गया 760 और ये क्या हो गया 076। अब कौन बड़ा होगा, 760 बड़ा होगा। तो दोस्तों किसी भी संख्या के आगे जीरो हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि कोई संख्या दशमलव से शुरू होती है और उसके पहले जीरो लिखा हो और उसके बाद कोई अंक हो तो इन तीनों जीरो का बहुत महत्व होगा, चाहे कितने भी जीरो हो ये जीरो महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 0., किसी भी दशमलव वाली संख्या में मान लीजिए मैंने लिखा 0., और यहाँ लिख दिया 4, अब इसके पीछे चाहे मैं 1 करोड़ जीरो लगा लूँ इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई, चलिए दोस्तों। तो इस तरीके से मैं ये मानता हूँ कि आप दशमलव की तुलना कर ले जाएंगे, जब दशमलव की तुलना कर ले जाएंगे तो आप आरोही और अवरोही क्रम भी आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए अब जो मैं आपको प्रश्न दिया था उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि उस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न तो हमने हल किया था, लेकिन आज एक बार फिर से प्रश्न को हल करते हैं। 3/5 यानी 3 में 5 से भाग देंगे 0.6, मैं उस दिन भाग देके दिखाया था आपको। 4 में 2 से भाग देंगे 0.5, 6 से 1 में भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 0.1। चलिए एक एक अंक की बात है तो एक एक अंक पर तुलना कर लेते हैं, एक एक अंक पे तुलना कर लीजिए। इसको मान लीजिए 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, कौन छोटा है, देखिए बिल्कुल सीधा क्रम है, आप आसानी से लिख सकते हैं। सॉरी चिन्ह आपका उल्टा हो गया, यहाँ 6 है, 6 बड़ा है, फिर 5 है, फिर बड़ा है, 1 है, आसान चीज है। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 0.95, 1.93, 0.87, 1.90। सबसे पहली बात यह है कि अगर दशमलव के पहले कोई पूर्णांक है तो पहले उसमें तुलना कीजिए, पहले बताइए इसमें कोई पूर्णांक है, इसमें कोई पूर्णांक नहीं, सॉरी इसमें है, केवल आपका जो 1.93 है, जो आपका 1.93 है उसको और 1.90 को आप छोड़िए। सबसे पहले देखिए 0.95 और 0.87, अब बताइए इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा। तो यह देख के लग रहा है दोस्तों कि इसमें 0.87 क्या है, छोटा है, ये यहाँ क्लियर हो गया। अब ये दोनों नंबर जो पूर्णांक के साथ है ये इसके बाद ही आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1.9 है,
1.93 है और दूसरा क्या है 1.90। आप बताइए यहाँ एक बराबर ठीक है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो बड़ा कौन सा होगा? 1.93 बड़ा होगा। तो यदि हम बात करें सबसे छोटे अंक की, तो सबसे छोटा अंक सबसे पहले देखिए 0.87, इससे बड़ा 0.95 और इससे बड़ा फिर 1.90 और फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा 1.93। मेरे हिसाब से आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें सबसे मूल बात यही थी कि जब हमें पूर्णांक दिया हो तो पूर्णांक वाली संख्या को पहले छोड़िए, पहले जो बिना पूर्णांक वाली है इसमें देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको देखने के बाद तब आप उसके बाद पूर्णांक वाली संख्या में तुलना करके आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैंने आपको अवरोही क्रम का प्रश्न दिया था, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको हमने नहीं सॉल्व किया था। लिखा है 7/6/7 यानी 6 में 7 से भाग देंगे, भाग देके आप लोग देख लीजिएगा, मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, तो 0.7/56, 7/56 4 7 21 7 4 28 7 5 35 8.85 हो जाएगा। 3 में 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.6। चलिए 9 से 1 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 1.01 और फिर 1-1 ऐसे बढ़ता चला जाएगा और फिर क्या है 5। अब आप बताइए कि जो 5 है ये तो सबसे बड़ा होगा। चलिए भैया 5 को हम यहाँ लिख देते हैं और लिख देते हैं कि भैया तुम सबसे बड़े हो। चलिए अब 0.85 है, 0.6 है, 0.11 है, तो यहाँ दो अंकों वाली बात हो रही, तो 1 0 और बढ़ा लीजिए। अब 0.05 अपने मन में भूल जाइए तो बताइए कौन बड़ा होगा, 11 बड़ा होगा, 60 बड़ा होगा कि 85। यदि सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कौन होगा, 11, और ये किसका मान है 1/9 का, तो सबसे पहले क्या आएगा 1/9। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा आपका क्या है ये देखिए, सॉरी 1/9 क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, सबसे छोटा हो जाएगा। और उसके बाद हमने भाग दी थी, इसका मतलब क्या था 0.60 और इसका मतलब क्या था 0.85। तो अब बताइए इसके बाद कौन छोटा आएगा, 3/5, ये क्या हो गया 3/5। अब इससे बड़ा क्या हो जाएगा 6/7 और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 5। करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो आपको दिया है उस चीज़ को सबसे पहले आप दशमलव में बदलिए। देखिए मूल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप सबको दशमलव में बदलिए, यह मूल प्रक्रिया है। दशमलव में बदलने के बाद आप ये देखिए कि दशमलव की तुलना करते समय यदि दशमलव के बाएं तरफ संख्या है तो इसमें जो छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से लिखिए, और उसके बाद अगर बाएं तरफ सब बराबर है तो दाएं तरफ तुलना कीजिए। यदि पहला अंक बराबर मिलता है तो दूसरे अंक पर जाइए, दूसरा अंक दोनों में बराबर मिलता है तो तीसरे अंक पर जाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0.114 है और 0.113 है, अब आप बताइए कौन बड़ा होगा। 0.1 के बाद 1 यहाँ बराबर 0.1 के बाद 1 यहाँ बराबर 1 यहाँ बराबर। अब 4 और 3 में कौन बड़ा है दोस्तों, 4 बड़ा है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी बड़ी हो जाएगी। आई थिंक आपको तुलना करने आ गया होगा, और जो अगला प्रश्न है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6.5 है इसको रहने दीजिए, 2.9 है इसको भी रहने दीजिए, 3/4 को अगर दशमलव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75। ठीक है, 8.4 है रहने दीजिए, 18/4 को लिखेंगे 4.5। ठीक है दोस्तों, अब दो भिन्न थी उसको हमने दशमलव में बना लिया। अब आप बताइए कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखिए यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, लेकिन ये जो भिन्न है इसमें पूर्णांक नहीं है। देखिए 0.75 है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 3/4। अब इससे बड़ा कौन है, अब आप देखिए 3/4 से बड़ा कौन है, आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 2/9 इससे बड़ा है, 2.9 से बड़ा कौन है 4.5 यानी 18/4, इतना ध्यान आपको देना पड़ेगा। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा आप देखेंगे तो आएगा आपका 6.5 और अंत में सबसे बड़ा कौन है 8.4। यदि आप समझिए, अगर इस स्तर का प्रश्न आप एकाध बार गलती करके भी सही कर ले जाते हैं तो भी ये आपकी महानता है, इसका मतलब आप उस चीज़ को आसानी से समझ गए। अगर पहली बार में किसी ने कर लिया तो वो तो बेहतरीन तरीके से समझ लिया, अगर दूसरी बार में किसी ने किया तो वो भी बहुत अच्छा, यहाँ तक कि तीसरी बार में भी अगर आप समझ गए तो भी
बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आप इसके बाद नहीं समझे और आज जब मैं इसको समझा रहा हूँ उसके बाद यदि प्रश्न को आप सॉल्व कर ले गए तो दोस्त आप समझिए कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। भले आपका एक घंटा या दो घंटा जो कुछ भी लगा हो, यह टॉपिक क्लियर हो गया। और इससे आप देख लीजिएगा कि हमेशा प्रश्न आता रहता है, कम से कम दो प्रश्न आएंगे, चाहे वह शिक्षण से मिलाकर आए चाहे वह केवल विषय वस्तु के रूप में आए। तो इस प्रकार यह टॉपिक आरोही अवरोही क्रम वाला हमारे लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। और आरोही अवरोही तो सब जानते हैं कि इसमें मेन बात क्या होती है, आरोही अवरोही में क्या करना है, इसमें नीचे से ऊपर जाना है छोटे से बड़े की तरफ और इसमें ऊपर से नीचे आना है बड़े से छोटे की तरफ। लेकिन जो इस तरीके से नंबर मिला के देता है इसकी तुलना करना थोड़ा कठिन काम होता है। तो ये चीज, इस चीज़ का प्रैक्टिस आप लोग अधिक से अधिक करिए। अपने मन से कोई संख्या सोच लीजिए, कोई भी संख्या लिख लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। बाकी जब मैं प्रश्नावली हल कराऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से सारे प्रश्नों को हल कराते हुए आगे चलूंगा। चलिए दोस्तों, जो आरोही अवरोही क्रम में तुलना की बात हो रही थी वह आपको इस चीज से भी समझ में आएगी। संख्या रेखा होता क्या है? संख्या रेखा देखिए, एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसका मध्य बिंदु क्या होता है, जीरो होता है, और इसकी दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। मैं आपको बताया था यह जब प्राकृतिक संख्या के बाद आपको पूर्णांक संख्याएं बताया तब उसमें बताया था कि जो धन की तरफ दाहिनी तरफ जो धनात्मक होती है उसे धन पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जो बाएं तरफ ऋणात्मक होती हैं उसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलिए, क्या कह रहा है ये प्रश्न में इस टॉपिक में ये कह रहा है कि संख्या रेखा वह रेखा होती है जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर केंद्र बिंदु शून्य होता है। और आपके सामने मैं संख्या रेखा प्रस्तुत करता हूं, आप देखिए इसको, ये है संख्या रेखा। यहां पर देखिए आपका मूल पॉइंट क्या हो गया, जीरो हो गया, इसके बाद पॉजिटिव इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और इधर सेम ऐसे नेगेटिव बढ़ता है। यहां आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ जीरो है, यहाँ से एक दो शुरू हो रहा, तो आप यहाँ से माइनस एक लिखने नहीं आएंगे, आपको यहीं से माइनस एक लिखना है, ठीक इस तरीके से, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। आप हमेशा देखिए इस तीर के निशान को देखिए ना, जीरो से ये इधर पॉजिटिव बढ़ रहा है और जीरो से ठीक इधर ये क्या बढ़ रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है। तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जब धनात्मक और ऋणात्मक बताऊंगा तब आप समझिएगा। जैसे देखिए जीरो से कितना खाना है, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, चार खाने पर देखें तो क्या है हमारा, चार है। यह एक निश्चित क्रम में बटा होता है। जीरो के बाद अगर मान लीजिए हमें सात तक आना, देखिए सात खाने होंगे, एक खाना, दो खाना, तीन, चार, पाँच, छः और सात खानों के बाद हमें क्या मिला, सात मिला। उसी प्रकार बाएँ तरफ भी जाएंगे तो हमको मिलेगा। तो देखिए संख्या रेखा में मूल चीज़ आप यह पहले समझ लीजिए कि एक इसका जो मध्य बिंदु होता है वह क्या होता है, जीरो, और जीरो से जब हम दाईं तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव होता है और जीरो से जब बाईं तरफ चलते हैं इस क्रम में तो यह नेगेटिव होता है। संख्या रेखा पर इसे धनात्मक संख्याएं कहते हैं या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और संख्या रेखा पर इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का अंतर जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको साथ साथ एक चीज यह भी सोचना है कि जैसे ये जो इनके बीच का कॉलम है, जो इनके बीच की जगह है, यह हमेशा एक बराबर दूरी पर होती है, ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये संख्या रेखा है, यहाँ यहाँ मान लीजिए कोई ऐसे पॉइंट में बना दिया, ठीक है, चार पॉइंट बना दिया। अगर यहाँ मान लीजिए मैं ए मान लिया और यहाँ सी मान लिया, मान लीजिए ये कह दिया कि यहाँ पर ये 10 है, इसका मान कितना है, 10 है, और आपसे ये भी कह दिया एक खाने का जो मूल मान है वो 2 है, इस खाने का मान केवल 2 है, तो आपसे कहूँ कि सी तक कितना होगा, तो 1 2 2 2 2, तो 2 2 4 2 6 2 8, 10 में 8 आप जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 18, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 18। तो यह कहना यह है कि यह भी हमेशा जो बीच की दूरी होती है वह हमेशा बराबर दूरी होती है। चलिए अब धनात्मक पूर्णांक की बात करें। संख्या रेखा पर केंद्र बिंदु के दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा पर जो केंद्र बिंदु होता है, ये जो केंद्र बिंदु है इसकी दाएं तरफ राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इसको आप समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है, ये यहाँ पर क्या है दिया हुआ है कि 4 × 4 = 8, ये कैसे हुआ बता रहा हूँ। ये देखिए जीरो है, जब इसके इधर आप आएंगे तो इधर से नेगेटिव संख्याएं, ये आपका केंद्र बिंदु है। तो देखिए
एक दो तीन चार, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, चार अंक हैं, और फिर चार से यहाँ तक कितने अंक है, चार है। देखिए खाने गिन लीजिए आप, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, फिर एक दो तीन चार, चार चार खाने हैं। तो यही देखिए चार खाने यहाँ पर, चार खाने यहाँ पर, क्या हो गया बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, आठ हो गया। ठीक है, यह चीज़ समझ में आई दोस्तों, एक बार पुनः इसको देख लीजिए। अगर ये बात करता है मान लीजिए कि यहाँ से पाँच खाने ले, पाँच खाने, ठीक है, अगर ये पाँच खाने लेने के बाद पाँच खाने यहाँ से आप गिन लीजिए और फिर यहाँ से पाँच खाने गिनिए। देखिए एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पाँच लिख दिया गया, चलिए एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पाँच लिख दिया गया। अब जीरो से यहाँ जोड़िए, देखिए ये कितना हो गया आपका, दस मिल गया, यानी दस खानों के बाद है। तो पॉजिटिव इंटीजर एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांकों का जोड़, यह बिल्कुल आसान चीज है, कर लीजिएगा। दिक्कत होती है माइनस वाले में, हम लोग माइनस वाले को समझते हैं। संख्या रेखा पर केंद्रबिंदु के बाईं तरफ, संख्या रेखा पर केंद्रबिंदु के बाईं तरफ क्या होता है, ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा आपकी ये हो गई, यहाँ जीरो हो गया, और ये राइट साइड पर क्या आपको मिलेगा, पॉजिटिव, और ये लेफ्ट साइड पर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। और इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है, ये देखिए क्या है, जीरो से लेकर छः तक, जीरो यहाँ मूल में है, एक से लेकर छः तक यहाँ लिखा है, और एक से छः तक यहाँ माइनस में है। यह ऋण पूर्णांक है और यह धन पूर्णांक है। अब देखिए जो चीज़ मैं आपसे कह रहा था, जैसे देखिए आप यहाँ समझिएगा कि यहाँ से कितने खाने हैं, ये क्या लिखा हुआ, चलिए जैसे मान लीजिए जीरो है, यहाँ से एक खाना, दो खाना, दो खानों के बाद दो है, तीन खाना, चार खाना, पाँच खाना, छः खाना, इसी तरीके से सेम इसका खाना बटा हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरीके से यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः, तो आपका क्लियर क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ माइनस दो, माइनस दो और तीन के बीच कितनी दूरी है, माइनस दो और तीन के बीच कितनी दूरी है, तो आप देखिए कितनी दूरी है, आप यहाँ से देख लीजिए, ये प्लस तीन आपका जो है और ये माइनस दो है। अब आपसे जब दूरी की बात करेगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ जीरो से एक खाना, दो खाना, तीन खाना, ये तीन खाने यहाँ पर है और जीरो के बाद इधर एक खाना और दो खाना यहाँ पर है, ये माइनस दो कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, प्लस तीन। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात बस इतनी सी है दोस्तों कि यहाँ पर जीरो आपका केंद्र बिंदु है और संख्या रेखा पर केंद्र बिंदु जो होता है, केंद्र बिंदु के दाहिनी तरफ क्या होता है, पॉजिटिव संख्याएँ होती हैं, और बाई तरफ लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव संख्याएं होती है, नकारात्मक पूर्णांक होते हैं, और दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक। बस इतना ही आपको बताना था, बाकी संख्या रेखा से संबंधित प्रश्न यदि आएंगे तो हम उस प्रश्नों के बारे में आसानी से समझेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपको क्लास में क्या क्या समझ में आया या हम लोगों ने किन किन चीज़ों को अभी तक पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़े, किसके बारे में पढ़े, नंबर के बारे में पढ़े, कि संख्या क्या होती है। मूल संख्याएं क्या हैं, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये दस अंक हैं या दस संकेत हैं जिनके आधार पर हमारी दार्शनिक प्रणाली चलती है, जिसके आधार पर हम गणित को पढ़ते हैं। ये क्या होगा, या कि ये आपके सामने क्या लिखे गए हैं, ये अंक हैं। अब यदि संख्या की बात करें तो अंकों के समूह को मिलाकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, संख्या। जैसे दो और तीन को मिलाकर क्या बना दिया, तेईस, चार और पाँच और छः को मिलाकर क्या बना दिया, चार सौ छप्पन, तो ये संख्या या संख्यांक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा कि n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, उसके बाद होल नंबर या पूर्ण संख्या, यदि जीरो को शामिल कर लें एक के साथ साथ तो यह क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गई। यदि उसी के बाद पूर्णांक की बात करें, इंटीजर पार्ट, तो इंटीजर पार्ट में क्या होता है, ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक सब शामिल होते हैं। जो धन होता है इसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और जो ऋण होता है इसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था सम किसे कहते हैं, सम जो दो से कट जाए, विषम जो दो से ना कटे। उसके बाद अगला पढ़ाई की थी हमने भाज्य के बारे में, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग कई बार पढ़े हैं, बस दोहरा इसलिए रहा हूँ कि ताकि आपका ये रिकॉल हो जाए, जो भी पढ़े यदि नहीं ध्यान से सुने हैं कहीं भी भूल रहा है तो, क्योंकि ये आपका मूल आधार है, यदि ये नहीं तैयार रहेगा तो आगे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। भाज्य का मतलब वे संख्याएँ जो एक से, स्वयं से और उसके साथ साथ किसी अन्य से भी कटें, समझिएगा।
और अभाज्य केवल एक से और स्वयं से कटे कोई और इसे ना काटे, ठीक है। एक और स्वयं से कटे और कोई ना काटे उसे अभाज्य कहते हैं, और भाज्य क्या है जो एक से कटे स्वयं से कटे और किसी अन्य से भी कट जाए वो क्या है भाज्य है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाज्य अभाज्य के बाद, हाँ उसके बाद हमारा अगला पॉइंट था परिमेय। परिमेय का मतलब पी बटे क्यू के रूप में जिसे लिख सके, और क्यू का मान क्या हो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से भाग देंगे तो वह अपरिभाषित होता है। क्या होता है दोस्तों अपरिभाषित होता है। और उसके बाद हम अपरिमेय पढ़े थे जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त न कर सके, अर्थात जिसमें मैक्सिमम क्या होते हैं चिन्ह होते हैं, वहाँ उसको क्या कहते हैं हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो मैं कहा हूँ कि यदि क्यू का मान जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यू का मान जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए कि यदि किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो वह अनडिफाइंड हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, लेकिन जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी जीरो बार जाएगी, यह आपको भूलना नहीं चाहिए। चलिए उसके बाद हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा अंकों के मान दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मान होते हैं, एक होता है फेस वैल्यू जातीय मान, एक होती है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। जातीय मान का मतलब 3, 4, 5 ये जहां भी रहेंगे इनका मान यही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू मतलब इनका प्लेस के अनुसार इकाई दहाई सैकड़ा हजार इसके अनुसार इनका मान बदलता रहेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल फिर मैं जल्दी में आपको बता दूं कि जैसे 3435 है तो इसमें 3 का जातीय मान यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, लेकिन स्थानीय मान यहाँ 3 का क्या है ये दहाई के स्थान पर, तो दहाई का मान 10 3 × 30 है, और ये हजार के स्थान पर है तो 3 × इस तरीके से तो यह क्या हो जाएगा 3000। यह क्या हो गया दोनों का मान देखिए 1 30 है और 1 3000 है, तो यह स्थानीय मान हो गया, यह स्थान के अनुसार बार बार परिवर्तित होता रहता है, और जातीय मान 3 चाहे जहां रहे वहां हमेशा उसका मान 3 ही रहेगा। और इसके बाद मैं दशमलव वाला पढ़ाया था, जैसे एक आपको मैं निकाल के दे देता हूं, जैसे मान लीजिए 123.345 के अगर मैं कहूँ आपसे कि चलिए इसका निकालते हैं, तो आप पहले चाहे जिसका भी निकाल लीजिए, आप इसको ऐसे दो पार्ट में भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से देखिए ये दशमलव के बाद पहला अंक है तो एक अंक पर है तो 3/10 हो गया, ये 4/100 हो गया, और ये हो गया आपका 5/1000। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पर यहीं से क्या शुरू होता है दशांश शतांश और सहस्त्रांश, मैं आपको ये चीज़ समझाया था। और जो लोग गलती कर रहे थे यहाँ इसको इकाई मान रहे थे वो गलत चीज़ है दोस्तों, इकाई इधर होती है, ये होगा आपका 3/1, ये होगा 2/10, और ये हो जाएगा आपका 1/100। इस तरीके से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे से विस्तारित रूप पढ़ लीजिएगा, क्या विस्तारित रूप पढ़ना है, और यही मैं आपको कुछ संख्याएं दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 4585, दूसरा क्वेश्चन है 3942, आप इसको नोट करते रहिए, तीसरा क्वेश्चन है 18349, चौथा क्वेश्चन है 5002, पांचवा क्वेश्चन है 45009, ठीक है। इस सभी पांचों प्रश्नों को आपको क्या करना है विस्तारित रूप में लिखना है, किसमें लिखना है विस्तारित रूप में। मैं एक मिनट रुक जाता हूं, आप आसानी से इसको नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने जो प्रश्न प्रस्तुत है वो कौन से हैं देखिएगा, प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है 4585, दूसरा प्रश्न है 3942, तीसरा प्रश्न है 18349, चौथा प्रश्न है 5002, और छठवां प्रश्न है 45009। इन पांचों प्रश्नों को आपको विस्तारित रूप में लिखना है, आप 10 सेकंड का समय लेके इसको फटाफट नोट कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जवाब मुझे आप अवश्य दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक प्रश्न देना चाहता हूँ, जैसे अक्सर जैसे लोग मान लीजिए पूजा उजा करते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं 1.25 क्या करते हैं, मेरे मन में आ गया तो ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते बोलना हो तो कुछ अलग चीज़ें भी देख लिया जाए। अगर कहते हैं जो 1.25 लड्डू चढ़ाएंगे भगवान को, हनुमान जी को हम क्या करेंगे 1.25 लड्डू चढ़ाएंगे, तो आप बताइए 1.25 कितने ग्राम होगा, कितने ग्राम होगा 1.25, ठीक है ग्राम पूछ रहा हूँ, ठीक है 1.25 किलो कहता तो वो अलग है। चलिए 1.25
और 1.25 किलो, 1.25 किलो दोनों में क्या अंतर है और एक ग्राम में कितना कितना होगा, पाव किसे कहते हैं, सवा किसे कहते हैं, और जब आप ये बताएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सवा क्या होता है, आधा क्या होता है और पौने या पौना क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी शब्दावलियाँ भी आपको सीटेट में मिलेंगी, आपको प्रश्न हल करने के लिए मिलेंगी। और जैसे आप जाते हैं, मान लीजिए दुकान पे आपने कहा है कि भगवान मेरा सीटेट में मैं खूब मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ खूब ज़्यादा, मैं सीटेट में 120 प्लस पा जाऊँगा या पा जाऊँगी, तो मैं आऊँगी आपके मंदिर में 1.25 किलो क्या करूँगी, बूंदी का लड्डू चढ़ाऊँगी, क्या करेंगे, 1.25 किलो बूंदी का लड्डू चढ़ाएंगे। अब आप 1.25 किलो लेने गए, ठीक है, जो 1.25 किलो समझ जाएगा वो 1.25 पाव भी समझ जाएगा। मान लीजिए बजट कम है, जब नौकरी पा जाएंगे तब 1.25 किलो चढ़ाइएगा, जब तक नौकरी नहीं पाए सीटेट की परीक्षा पास करेंगे तो 1.25 पाव चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब आप 1.25 पाव लड्डू लेने तो चले गए, 1.25 पाव लड्डू लेने गए, अब दुकानदार आपको 400 ग्राम दे, 200 ग्राम दे, 1000 ग्राम दे, कितना दे, अब अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो आपको तो बेवकूफ बना देगा। अगर मान लीजिए आपने 1.25 पाव लड्डू कहा, दुकानदार ने उसमें से 50 ग्राम भी कम कर दिया, और ऊपर से भगवान ने देख लिया कि भैया ये तो 50 ग्राम कम ला रहा है, मान लीजिए मंदिर पहुंचे, अब भगवान जान रहे हैं कि दुकानदार की गलती, लेकिन भगवान मानेंगे कि गलती आपकी हुई है, क्योंकि आपको चाहिए कि आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको वो चीज़ देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1.25 पाव में कितने ग्राम आएंगे। तो इस तरीके से ये केवल एक मजाक की बात थी, लेकिन 1.25 पाव इसे इसमें कितना ग्राम आता है ये आपको जानना अति आवश्यक है, इसके बारे में मुझे बताइएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आगे की तरफ चलते हैं, हमने संख्या रेखा पढ़ लिया, हाँ ठीक है, स्थानीय मान जाति मान की बात हो रही थी, फिर उसके बाद हम कहाँ थे, आरोही अवरोही क्रम की बात कर रहे थे, तो एक बार आरोही अवरोही क्रम को देख लेते हैं। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर ऐसे बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवरोही अवरोही की बात कर रहे थे, अवरोही तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और आरोही अवरोही में सबसे जो कठिन काम था वो था तुलना करना, तो तुलना करने के लिए यदि भिन्न है तो भिन्न को किस में बदलना है दोस्तों, भिन्न को बदलना है दशमलव में, और फिर दशमलव की तुलना करते समय पूर्णांक का भी ध्यान देते रहना है, पूर्णांक प्लस दशमलव को ध्यान देते हुए आगे चलना है। और एक बात जो छूट रही थी, देखिए रिवीजन करने में यही होता है कि जो चीज़ें आपसे छूट जाती हैं वो आपके सामने तुरंत आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि 0.3, फिर 0.35, फिर मैं आपसे कह दूं कि -2, फिर कह दूं -18, अब बताइए, चलिए एक चीज़ यहाँ कम करता हूँ, -18 कम कर दूं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 1.3, अब अगर मैं कहूँ कि इसको आरोही क्रम में लगाइए तो बताइए सबसे पहले छोटा कौन होगा, सबसे पहले छोटा वह होगा जिसके सामने चिन्ह ऋण का लगा होगा, चिन्ह किसका लगा होगा, माइनस का, भले यहाँ पर 200,000 लिखा रहे लेकिन यदि उसके आगे माइनस है तो वह सबसे छोटा है, तो सबसे आगे कौन आएगा, -2। अब इससे बड़ा कौन है, यहाँ देखिए 0.3 है, 0.35 है, और यहाँ 1.3 है, यहाँ तो पूर्णांक, ये तो सीधी बात सबसे बड़ा हो गया, तो 10 यहाँ और बढ़ा के इसको बराबर करिए, अब बताइए दशमलव हटाएंगे तो 30 और 35 में कौन बड़ा है, 35 बड़ा है, और हमें लिखना कौन है छोटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.30, फिर इससे बड़ा 0.35, और फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा 1.3। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। आपको यहाँ केवल यही बताना था कि जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं वह चाहे नेगेटिव लिखा रहे 1999 लिखा रहे और पॉजिटिव लिखा रहे 2, तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा, नेगेटिव वाला हमेशा छोटा होगा, ठीक है, यहाँ ये चिन्ह होगा। यदि आपसे कहा जाए कि -545 और 235 में कौन बढ़ा है, तो आप सीधे कहेंगे 235 बढ़ा है, क्यों, ये अपने चिन्ह के कारण। आप बताइए आपका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 20 रुपये मेरे अकाउंट में है और आपके अकाउंट में -2000 रुपये हैं, तो फायदे में कौन है, आप इस बात का जवाब दीजिए, आप फायदे में हैं कि मैं फायदे में हूँ।
यदि हम दोनों के अकाउंट में या आप सभी के अकाउंट की बात करें तो मान लीजिए मेरे अकाउंट में 20 रुपया है, आपके अकाउंट में -400 रुपये हैं, तो बताइए फायदे में कौन है, बड़ा कौन है? बड़ा मैं रहूँगा। पूछे क्यों बड़ा रहूँगा? क्योंकि यदि कोई मेरे अकाउंट में जब 1000 रुपये भेजेगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 1020 रुपये हो जाएगा, और जब कोई आपके अकाउंट में 1000 रुपये भेजेगा तो आपका 1400 नहीं होगा, आपका 1000 ये तो है ही है। अब मान लीजिए उसमें आप अपना क्या ऐड कर रहे हैं, -400 ऐड कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ध्यान से। तो अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी 1000 में से 400 घटेगा, कितना होगा, 600। और चूंकि बड़ा अंक 1000 तो इसका चिन्ह प्लस लगेगा, आपके पास अब प्लस 600 हो गए, मेरे पास प्लस 1020 हो गए। अब बताइए कि पैसा किसका ज़्यादा हो गया, तो बड़ा तो हमेशा ये 20 होगा, माइनस अगर किसी के सामने लग गया तो वह हमेशा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप तुलना कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोगों ने संख्या स्थानीय मान आरोही और अवरोही क्रम के बाद हमने पढ़ा है कि किस तरीके से संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। संख्या रेखा क्या है, संख्या रेखा के बारे में मैं आपको बता दिया, एक बार फिर से एक नज़र डाल देते हैं हम लोग संख्या रेखा के बारे में। जैसे आपकी एक रेखा हो गई, यहाँ पर मूल बिंदु इसका क्या होगा, केंद्र बिंदु 0 हो गया, इसकी दाहिनी तरफ क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। और जब जैसे मान लीजिए ये बताया, अच्छा इस चीज़ के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, जैसे मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने कहा ना कि अगर -3 है और 2 है, 5 है, -18 है, तो अब बताइए इसमें छोटा बड़ा कैसे निर्धारित करेंगे। तो देखिए आप तो जान गए कि जो माइनस होगा सबसे छोटा होगा, लेकिन आप ये नहीं अब समझ पाएंगे कि -3 है और -18, तो इन दोनों में छोटा कौन है। समझिए, अभी मैंने आपको रुपए वाला एग्जांपल दिया, जैसे मैं कहूं कि -2, एकदम छोटे से एग्जांपल से समझिएगा प्लीज। आप लोग जैसे भी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप एक बार ध्यान दीजिए इस चीज़ को, है तो बहुत छोटी चीज़, बिल्कुल आसान चीज़ है, लेकिन यदि समझ का फेर हुआ तो यह प्रश्न बहुत जल्दी गलत हो जाएगा। यदि आपसे मैं कहूँ कि -2 और 2 में कौन बड़ा है, तो आप तुरंत कहेंगे सर 2 बड़ा है। क्यों बड़ा है भैया? क्योंकि 2 बड़ा है, 2 पॉजिटिव है, 2 क्या है, पॉजिटिव है। चलिए भैया अब आगे बात करते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि -2 और -3 में कौन बड़ा है, अब तो कन्फ्यूज़न हो गया, अब क्या हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया। तो मैं कहूँगा कि -2 बड़ा है, अब आप पूछिए कैसे, इस चीज़ को हम समझते हैं। मानिए कि हम किसी को 10 रुपये दिए, मान लीजिए कोई ए नाम का लड़का है, कोई बी नाम की लड़की है, दोनों को 10-10 रुपये दे दिए। अब उससे कहे कि -2 रुपया तुम अपना मिला लो, -3 रुपया भैया तुम अपना मिला लो, तो जब ये -2 रुपये मिलाएगा तो यह कितना हो जाएगा इसके पास, 8। अभी प्रक्रिया बताया था मैं। और जब ये बताइए कि जब बी वाला -3 रुपये 10 रुपये मिलाएगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 7। 8 और 7, अब बड़ा कौन है, 8 बड़ा है। क्यों बड़ा है आप समझिए, बड़ा इसलिए है कि यदि माइनस का चिन्ह लग गया तो यह हमेशा उस संख्या को छोटा बनाएगा, क्या करेगा, छोटा बनाएगा। तो जब आप माइनस लगा दिए किसी संख्या के पीछे, उसके बाद जितनी छोटी संख्या रहेगी वह एक्चुअल में उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी बड़ी संख्या होगी वह उतनी ही छोटी होगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस एग्जांपल को एक नए एग्जांपल के साथ समझते हैं, -5 और -12 में। यदि मैं आपसे कहूँ कि 20 रुपये में आप जोड़िए क्या, -5, और फिर मैं आपसे कहूँ कि 20 रुपये में आप जोड़िए क्या, -12। अब देखिएगा जिसका मान ज़्यादा आएगा वही संख्या बड़ी होगी, प्लस माइनस माइनस, यानी 20 में से 5 गया 15, बड़ा अंक 20 है, इसका चिन्ह लगा दिया हमने प्लस, ठीक है, प्लस 15। अब माइनस प्लस माइनस, 20 में से 12 गया 8, बड़ा अंक 20 है, इसका चिन्ह लगा दिया प्लस, तो प्लस 8। अब बताइए प्लस 15 बड़ा है कि प्लस 8 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, प्लस 15 बड़ा है। तो यहाँ ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब क्या साबित होता है कि माइनस के बाद यदि संख्या छोटी लिखी है तो वह बड़ी होगी, और माइनस के बाद यदि संख्या बड़ी लिखी है तो वह छोटी होगी। अब जैसे मान लीजिए -3, -18, -14, -2। अब बताइए सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा हमेशा -18 होगा, फिर इससे बड़ा -14 होगा, फिर इससे बड़ा -3 होगा,
फिर इससे बड़ा माइनस दो होगा। अब देखिए अगर ये माइनस हम भूल जाएं, जैसे सोचिए माइनस भूल जाएं, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 18 होगा, फिर क्या होगा 14 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 2, यानी कि जैसा पॉजिटिव होता है उसी का सेम उल्टा क्या होता है नेगेटिव, जो पॉजिटिव में सबसे बड़ा होगा वही नेगेटिव में सबसे छोटा होगा। अब सबसे अच्छा स्टेटमेंट आपके सामने मिल गया कि जो धनात्मक संख्या, जो धनात्मक में सबसे बड़ा होगा होगा वह ऋणात्मक संख्या में, किसमें दोस्तों, ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटा होगा। जैसे यदि 18 पॉजिटिव में बड़ा है तो माइनस 18 उतना ही छोटा है जितना बड़ा 18 है। अभी फिर से एक लास्ट एग्जांपल देके मैं आपको समझा दूं। मैं आपसे कहूं -8, -6, -7, -13, -12 को आप आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखिए, सबसे छोटा कौन है -12 हो जाएगा, फिर उसके बाद -8 हो जाएगा, फिर उसके बाद -7 हो जाएगा, और फिर उसके बाद छोटे में 6 और 13 में कौन है 6 है, और फिर उससे बड़ा कौन है 13। यदि मैं यही आपको कहूं कि दोस्तों इसको अवरोही में लिखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी 13, फिर 6, फिर -7, फिर -8, फिर -12। उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी मित्रों, और अगर नहीं आई तो आप अपना डाउट मुझसे शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी चीज़ छूट गई हो पढ़ाने में तो आप वीडियो को रोककर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच, किस तरीके से हम ये जांचेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। फिलहाल इतना पढ़ने के बाद जब पहला चैप्टर ये संख्या पद्धति का ख़त्म होगा तो हम लोग एक टेस्ट पेपर करेंगे संडे के दिन या जब भी मौका मिलेगा, और 30 क्वेश्चन का केवल गणित से, उस केवल संख्या पद्धति चैप्टर से रहेगा, और देखते हैं कि कौन कितना प्रश्न हल कर ले जाता है, या उस प्रश्न के दौरान कोई कुछ नए टॉपिक मिलते हैं जो बच रहे हों या जो आपसे चर्चा ना हुई हो तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग अगली क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, विभाज्यता की जांच, और फिर वापस से आपको कहना है कि आप जितना जल्दी हो सके आप इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आसानी से जुड़ जाइए। इसकी फ़ीस जो है ₹199 आपके लिए बनाई गई है, इसमें पूरा कंप्लीट क्लास मिलेगा यूट्यूब पे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके हर एक डाउट का सलूशन मिलेगा, और उस सलूशन के साथ साथ हम आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बेहतरीन रोल निभाएंगे। आप बस अपनी मेहनत करिए, हमारे जो हम आपका गाइडेंस कर रहे हैं उस गाइडेंस पे आप चलते रहिए, आपका ये जो लक्ष्य है, बार बार इस लक्ष्य को याद दिलाना इसलिए ज़रूरी, कहीं आप भूल ना जाएं कि लास्ट तक आपकी मन में बन जाए कि केवल 90 नंबर तो चाहिए पास होने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमको चाहिए 120 नंबर। ये हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहेगा तो हम उसी तरीके से मेहनत करेंगे, और कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अब हम थोड़ा सा पुराने हो गए या अब हमको मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग हो रही है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, या आप तो हम हल कर ले जा रहे हैं 120 कर ही लेंगे, ऐसा नहीं। जब तक आप कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे, निरंतरता अगर नहीं रहेगी, निरंतरता और ध्यान अगर ये भटका तो आपका ये लक्ष्य बहुत पीछे छूट जाएगा। इसलिए कंटिन्यू लगातार मोटिवेट होकर, उत्साहित होकर मेहनत करिए और 120 पाइए। सभी लोगों का नाम रोशन कीजिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ यह क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।